Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकों के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहां पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंगे, ललित मोदी होंगे, मल्या होंगे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे, हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, हम लड़ते रहेंगे।